Assalamualaikum viewers, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एम आर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स और प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर्स का आपको टाइम टू टाइम विजिट करवाया। जो इस पे कैश पे प्लॉट्स अवेलेबल थे वो भी सोसाइटी आपको विजिट करवाई, जो इंस्टॉलमेंट पे थे वो भी आपको विजिट करवाया, और टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में आप लोगों के लिए लेके आता रहा। इस वक्त मैं जीटी रोड के ऊपर मौजूद हूँ। ये मेरे सामने टूवर्ड लाहौर है, रवात है, देन आगे आपका झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर है, और मेरे जो अपोजिट साइड पे जो ट्रैफिक चल रही है ये आपका रावलपिंडी की तरफ जा रही है, कचहरी की तरफ, और आगे बैरिया टाउन फेज 8 की तरफ। मैं इस वक्त DH2 का गेट नंबर 3 के ऊपर मौजूद हूँ। जी अगर आपने भाई ने आपको दिखाएं तो ये आपका गीगा मॉल है, रावलपिंडी संभाग का सबसे मशहूर गीगा मॉल है। यहाँ से जो है अब हम DHA में जो है वो एंटर होंगे। ये DHA 3 की जो है वो एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से जो है वो हम DHA में जो है वो एंटर हो रहे हैं। ये DHA 3 का आप गेट देख सकते हैं। यहाँ से हम DHA 3 का गेट नंबर 3 है। इसी तरह इससे पहले DHA गेट नंबर 1, 2 जे 3, इससे आगे फिर 4, 5 और 6 तक ये गेट्स हैं। ये आपका मैंने जो जहाँ से मैं एंट्रेंस ले रहा हूँ ये आपका जीटी रोड है। इसकी जो दूसरी एंट्रेंस है वो आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर है। जब आप इस्लामाबाद से आ रहे हो 0 पॉइंट कुराल चौक खन्ना पुल, उससे आगे फिर आपका 0 पॉइंट से आप आ रहे हो तो आपका काक पुल से आगे आ पाएंगे, तो उससे आपको DH2 की जो है वो एंट्रेंस मिल जाएगी। वहाँ से आपका गेट नंबर 7 है, गेट नंबर आपका आगे 6 और 5 वहाँ पे आ जाएगा। ये DHA का मेन बुलेवार्ड है जो आप देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका सेक्टर ए है। ये आप इसका सेक्टर ए देख रहे हैं। ये सेक्टर ए जो है ये बैक साइड से पीछे आपका गेट नंबर 1 तक जा रहा है। इसके आगे जो है आपका सेक्टर सी भी आ जाता है। ये आपका सेक्टर ए आप देख रहे हैं, और मेरे अगर लेफ्ट साइड पे भी आपको दिखाएं भाई तो ये आपका सेक्टर एफ है। ये आपका सेक्टर एफ चल रहा है सारा। यहाँ पे अगर प्लॉट्स की कटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेजर कटिंग्स हैं वो आपकी कनाल की है। 10 मल्ला की कटिंग है, 5 मल्ला की कटिंग है, वो बहुत लिमिटेड सी कटिंग है, वो आपके सेक्टर जे में है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे आपको लेके जाऊँ तो आपको सेक्टर सी की एक स्ट्रीट्स का व्यू दिखाता हूँ। ये आप इसकी स्ट्रीट्स देख सकते हैं भाई। अगर थोड़ा सा जूम करके ले जाएं तो आपको पूरी गली जो है वो नजर आएगी। तकरीबन इसका आप कह सकते हैं 50 फुट की गली है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर रैंप आप इसका, हम वैसे इसमें जो आपका फुटपाथ वगैरह वो इंक्लूड करते हैं इसमें, अगर फुटपाथ को डालें तो आपका ये 60 फुट का गली बन जाती है। तो मेरे लेफ्ट साइड पे सारा आपका सेक्टर सी चल रहा है और यहाँ पे आपका सेक्टर ई चल रहा है। जी अब यहाँ पे सेक्टर ई आ गए। ये जो आपका सेक्टर है जी आपका सेक्टर ई है। अभी आपको आगे लेके चलता हूँ, सेक्टर जे का भी विजिट करवाता हूँ, डी का भी विजिट करवाता हूँ। इसके जो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे है वो भी आपको मैं सारे दिखाता हूँ। जी अगर आपको भाई अगर सामने दिखाएं तो मेरे लेफ्ट साइड से जो ट्रैफिक आ रही है, यानी ये जो कई डिब्बा यहाँ से आ रहा है, ये आपका DHA गेट 1 से आ रहा है, GT रोड से गेट नंबर 1 से ये आपका सारा ट्रैफिक आ रहा है। अभी आपको भाई थोड़ा सा जूम करके जी बुलेवार्ड भी दिखाएं लेफ्ट साइड पे। अगर थोड़ा सा आप जूम करके जो इनको बुलेवार्ड दिखा दें तो जी आपका DHA गेट नंबर 1 से जो है ये आपका बुलेवार्ड आगे यहाँ से आ रहा है। यहाँ से हम लेफ्ट होते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका कमर्शियल एरिया आ गया, मेन कमर्शियल एरिया सेक्टर ई का। ये कमर्शियल एरिया है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्लाजे वगैरह, बैंक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये आप इसका कमर्शियल एरिया देख रहे हैं। इसके साथ ही आगे फिल्ट्रेशन प्लांट है, देन आगे आपको एक राउंड अबाउट मिलता है। यहाँ पे आपको फूड्स की तमाम चीज़ें जो है जिसमें मैकडोनल्ड वगैरह, KFC, वो तमाम चीज़ें, वो भी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये आपका सेक्टर ई इस वक्त चल रहा है। जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि यहाँ पे मेजर जो कटिंग है वो कनाल की कटिंग है, तो जी अब आप जो सारी कटिंग देख रहे हैं वो कनाल की कटिंग है। ये सेक्टर ई इस वक्त चल रहा है। इसके अगर टोटल सेक्टर्स की बात करूँ तो इसका A, B, C, D, E, F, G, H J तक इसके टोटल सेक्टर्स हैं। जी इसका आखिरी सेक्टर है, देन आगे आपका कश्मीर, आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे आ जाता है, उसके अपोजिट साइड पे आपका DHA 5 आ जाता है। तो जी आपका राउंड अबाउट आ गया जी। यहाँ पे आपको KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, पिज़्ज़ा हट और सेकंड का, ये आपको यहाँ पे जो है तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये राउंड अबाउट है पूरा, इसमें तमाम फूड कोर्ट है, आपको तमाम जो ब्रांड्स हैं फूड्स के, फास्ट फूड के वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका आगे सेक्टर डी है। मैं इस वक्त आपको लेके चलता हूँ जसेंडा भी, आपको डी ब्लॉक भी दिखाता हूँ छोटा सा आपको, ओवरऑल ऊपर से थोड़ा सा आपको अगर DHA का व्यू दिखाऊँ,
BHE2 का, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर भाई थोड़ा सा जूम करके दिखाएं एक मिनट, वो आपको बिल्डिंग्स वगैरह जो नजर आ रही हैं वो आपका अस्करी फ्लैट्स हैं, अस्करी फ्लैट्स 1 है वो सारे, अस्करी फ्लैट्स 2 भी हैं, वो आपको थोड़ा सा नीचे जाके दिखाता हूँ। ये जो नीचे सारा जो घर बने हुए हैं ये आपका सेक्टर जो है वो जी सेक्टर है सारा, ये यहाँ पे आपका सेक्टर जी है। मेरे लेफ्ट साइड पे अगर भाई आपको लेके चले जाएं तो यहाँ पे आपको अस्करी बैंक और GFC और मार्ट्स वगैरह, KFC, बाबरीक्यू, ये आपको यहाँ पे वो मिल जाते हैं। प्ले लैंड है एक्चुअली ये सारा, जो आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे ये मिल जाती है। इसी तरह तमाम जो सहूलियात आ गए, इसका शिकारपुरी स्वीट्स वो भी आपको मैं दिखाता हूँ सारी, इसकी स्वीट्स व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ तमाम, वो भी आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। DHA जो है जी एक इदारा है जो इसको चला रहा है, वन मैन शो नहीं है, यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ पे है, पेट्रोल पंप्स वगैरह, मार्केट्स वगैरह वो यहाँ पे, ये सेक्टर ही है। आप इसका सीट्स का व्यू देखें, अगर थोड़ा सा भाई जूम करके जो सीट्स आपको दिखा दें तो जी इसकी 60 फुट की आप गली कह सकते हैं। तमाम चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है DHA ने। DHA का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो इसकी थोड़ा सा आप कह सकते हैं, माइनस पॉइंट तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस सर्विसेज है वो थोड़ी सी इसकी जो है सिविलियन के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए वो थोड़ी सी स्लो है यहाँ पे। अदरवाइज DHA जो है वो एक बहुत अच्छा हाउसिंग सेक्टर है, आपको तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। रावलपिंडी से हम बाद में DHA के तकरीबन DHA 5, इसके 5 सेक्टर्स हैं, DHA 1 है, देन DHA 2 है, DHA 3 है, DHA 4 है, DHA 5 है। DHA 4 जो है वो अभी सारा नॉन पोजेशन है, वो आपका बैरियर टाउन फेज 8 के अपोजिट साइड पे आ जाता है। DHA 3 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके DHA 3 की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अगर आपने बैरियर टाउन फेज 8 की वीडियो नहीं देखी तो उसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। ये सेंडा फैमिली क्लब का आउटर है, वहाँ पे आप इन हो सकते हैं, यहाँ से आप आउट हो सकते हैं। मैं यहाँ से आउट होके बाहर आ गया हूँ, सर सैयद बुलेवार्ड है ये सामने, ये आपका सर सैयद बुलेवार्ड है। अगर लेफ्ट साइड पे भाई आपको लेके जाए और सर सैयद बुलेवार्ड थोड़ा सा आपको दिखा दें तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका सारा सेक्टर डी है, यहाँ पे आगे जाके आपके अस्करी फ्लैट्स 1 आ जाते हैं, अस्करी फ्लैट्स 2 मैंने आपको दिखाए, अस्करी फ्लैट्स 1 जो है वो यहाँ पे आपके हैं सारे। ये आपका सेक्टर डी है मेरे लेफ्ट साइड पे, जी इसका सेक्टर डी चल रहा है, जो मैं आपको जिस तरह बताया कि 5 मरला की बहुत कम कटिंग है, 10 मरला और कनाल की कटिंग, मेजर्स कटिंग्स यहाँ पे वो 10 मरला और कनाल की है। इसके ऊपर इस साइड पे आपका DHA 5 है, DHA 5 की भी इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम लोग लेके आएंगे। अगर आपने DHA 5 की पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो भी वीडियोज हमारी हैं वो इजीली आप तक पहुंच सके। इस वक्त मैं जो हूँ सेक्टर जे में इन हो रहा हूँ। जे भाई अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे ये अटक का पेट्रोल पंप है, ये आपका सेक्टर जे है। और ये जो अगर भाई आपको बुलेवार्ड दिखाएं, टीपू बुलेवार्ड इसको बोलते हैं, ये आपका टीपू बुलेवार्ड है, जो आगे आपका राउंड अबाउट फूड कोर्ट की तरफ जो है वो यहाँ से आप जा सकते हैं, वो आपका ये बुलेवार्ड आपको लेके जाएगा। मैं इस वक्त सेक्टर जे में आ गया हूँ, ये आपका सेक्टर जे है, यहाँ पे आपको कटिंग जो है वो 5 मरला की भी मिल जाती है, 10 मरला की भी और कनाल की भी कटिंग है। ये मेन बुलेवार्ड है, आगे ये गेट नंबर 5 तक जाएगा, गेट नंबर 7 तक जाएगा, देन आगे आप इस्लामाबाद हाईवे को एक्सेस करके इस्लामाबाद अप्रोच कर सकते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड भी आपका DHA 5 है इंशाल्लाह, उसकी भी जिस तरह मैंने आपको कहा वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है वो लेके आएंगे। DHA के हर सेक्टर का हर अपना सेक्टर का मिनी कमर्शियल है, यानी अब सेक्टर जे का कमर्शियल आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, सेक्टर डी का अपना कमर्शियल है, ए का अपना कमर्शियल है, और मेन कमर्शियल जो है वो सेक्टर ई का जो मैं आपको दिखा के ला रहा हूँ वो है। सेक्टर जे की अगर आपको सीट का व्यू दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू भाई, अगर थोड़ा सा जूम करके ले जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घर वगैरह तमाम चीज़ों को जो है वो मेंटेन किया हुआ है, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको मौजूद मिलती हैं। बैरियर टाउन से अगर इसको कंपेयर किया जाए DHA को, तो बैरियर टाउन जो है वो वन मैन शो है, जबकि आपका DHA जो है ये एक इदारा है जो इसको टेक ऑफ कर रहा है, जी इसको जो हैंडल कर रहा है। जी भाई अगर आपको दिखाएं लेफ्ट साइड पे तो जी आपका सेक्टर जे का कमर्शियल आ गया सारा, ये आप इसके सेक्टर जे देख रहे हैं, अस्करी बैंक्स वगैरह और प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे तमाम शॉप्स हैं, ऑफिसेज वगैरह हैं, लुकमान रेस्टोरेंट है, मोबाइल फ़ोन है, इस तरह आपका मॉड्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया बहुत तेज़ी के साथ चल रही है जी, यहाँ पे आप ज़मीन वाले जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, खुदाइयाँ वगैरह इन्होंने कर दी है। तो ये ओवरऑल आपको बैरियर टाउन DHA का विजिट करवा रहा हूँ। DHA जो है अब अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो ये बैरियर से नीचे है,
बैरियर अगर ऊपर है तो DHA जो है उससे नीचे आता है। अब DHA जो है ये डेवलपमेंट्स कॉपी करता है बैरियर टाउन की। बैरियर टाउन जो है वो एक इकोनॉमिकल है, लेकिन DHA जो है ये थोड़ा अमीरों के लिए है, थोड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे मिलता है। जबकि DHA में सॉरी बैरियर में भी आपको लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है, तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो एक इकोनॉमिकल है। आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 60 लाख का मिल जाता है। अगर बैरियर टाउन सॉरी DHA की प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे 5 मरले का जो प्लॉट है जो सेक्टर J में आपको मिलता है, मिलता नहीं है, अब अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में उसकी, तमाम वो प्लॉट जो है वो फुल हो गए, वहाँ पे घर वगैरह बन गए। वैसे अगर जनरल बात करूं तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे पहले मिलता था, लेकिन अब उसकी मार्केट में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। इस तरह 10 मरले का प्लॉट है कनाल का, वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भाई अगर आपको सामने दिखाएं तो ये आपका DHA गेट नंबर 7 आ गया। ये आपका DHA का गेट नंबर 7 है, सामने ही आपका इस्लामाबाद हाईवे है। आप यहाँ से इस्लामाबाद हाईवे को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट साइड पे DHA फेस 5 है। ये जो गाड़ियाँ इंटर हो रही हैं ये आपकी इस्लामाबाद से आ रही हैं, वो यहाँ से DHA 2 में जो है वो इंटर हो रही हैं। जिस तरह मैं आपको प्राइस की बता रहा था, यहाँ पे 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। इसी तरह जो कनाल का प्लॉट है वो 3.30 करोड़ से स्टार्ट हो गए, आगे आपका 4.5 करोड़ तक आपका कनाल का प्लॉट यहाँ पे जाता है। वो डिपेंड करता है प्लॉट की कंडीशन और प्लॉट की लोकेशन पे। अच्छी जगह का प्लॉट होगा, अच्छे सेक्टर का प्लॉट होगा तो वो ऑब्वियसली सेक्टर J से जो है या बाकी जो इसके डाउन सेक्टर्स हैं उससे वो महंगा होगा। तो जी ओवरऑल आपको आज मैंने आपको DHA 2 का विजिट करवाया, इसकी तमाम सीट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई, कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे मैंने आपको दिखाई, जो चीज़ें आपको इसका फैमिली क्लब या सेंट्रल फैमिली क्लब मैंने आपको दिखाया, तमाम चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बताई। अगर आप भी DHA में अपना प्लॉट सेल या परचेज करना चाह रहे हैं या DHA में आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, ब्रांड न्यू आपको यहाँ पे घर मिल जाते हैं 10 मरला के कनाल के, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपकी थ्योरी है, आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, आप वो पिंडी संभाग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं। आप वो हमसे कॉल करके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकें, आप हमसे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेना चाह रहे हैं रावलपिंडी संभाग में तो उसके लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, आप उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपके इंशाल्लाह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसका इंशाल्लाह आपको 6 महीने बाद या साल बाद आपको बताएंगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अब उसका जो प्रॉफिट है या अब जो उसकी रेट है वो ये चल रहा है, आपने इतने में लिया था और अब ये इतने का हो गया। ये तमाम चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको DHA 2 का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि तो और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका DHA में अगर कोई थ्योरी है DHA से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स में या हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिर्ज़ा रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।